बहुत बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है जिसका फरीदाबाद में रियान पब्लिक स्कूल भी है, जहां अध्यापकों को लंबे वक्त से सैलरी नहीं मिल पा रही। अध्यापकों का आरोप है कि उन्हें रोज कहा जाता है कि सैलरी के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टीचिंग को नोबल प्रोफेशन माना जाता है, बावजूद इसके अध्यापकों की सर्विस की कोई कदर नहीं की जा रही। वहीं अध्यापकों को सैलरी पिछले 3 महीने से नहीं मिली। अध्यापकों ने बताया कि उनकी शिकायत पिछले 6 साल से नहीं सुनी जा रही। अब तो कोरोना काल भी समाप्त हो गए, बच्चों की फीस भी स्कूल में जमा हो रही है, बावजूद इसके अध्यापकों को सैलरी पिछले 3 महीने से नहीं दी जा रही। मैं रीना सिंह। बेटा, हम तो रोज इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि बातचीत हो जाएगी, ठीक है ना। अब 25-25, 20-20, 22-22, 27-27 साल की नौकरियां हम अपनी रिस्क पे लगा के हम सिर्फ सच्चाई को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम जो 6 साल से बोल रहे हैं, 6 साल से वर्बली या रिटन में कुछ नहीं सुना जा रहा, और अब जबकि कोविड का भी पीरियड ख़त्म हो गया है, अब नॉर्मल फीसें आ गई हैं, तो हम ये बोल रहे हैं जो हमारा 6 साल से मैटर चल रहा है, वेदर इट इज़ करियर प्रमोशन है, चाहे वो हमारा DA है, चाहे वो हमारी इंक्रीमेंट है, 7th pay commission है, एक एक टीचर को मतलब बहुत मेजर नुकसान है ट्यूसडे से, क्योंकि सब टॉक्स फेल हो गई। प्रिंसिपल मैम यही बोलती रही कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ, हमने मैटर आपका आगे भेज दिया, हमने मैटर आपका आगे भेज दिया। हम लोग पिछले 9 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पर थे, हमने हमारी कुछ मांगे थी जो 2016 से हम इनके पास लिखित में देते आ रहे थे, पर मांगे ये हैं कि हमारा 7th pay commission, हमारी अपग्रेडेशंस नहीं हुई 2016 से, हमें DA नहीं दिए जा रहे, हमारे 2 साल से इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं, अब फिर इलीगली हमारी EL को छेड़ा जा रहा था, तो फिर हम बहुत देर से लिखित में इनको देते आ रहे थे पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर हार के हमें अब इस यहाँ हमें ये तरीका अपनाना पड़ा कि शायद कोई सुनेगा, और हमारी मांग सिर्फ यही है कि मैनेजमेंट से कोई आके हमारे साथ बैठे, हमसे बात करे, हमारी मांगें सुने और हमें ये लिखित आश्वासन दे कि हमारी मांगों पर विचार किया।